देखिए, जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि ऑपरेशन पाताल जो है शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है, और ऑपरेशन पाताल के तहत जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हैं या अवैध शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उनकी खरीद फरोख करते हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये 30 मई तक इसका अभियान चलाया जा रहा था। इस संबंध में लगातार हमारी जो थाने की पुलिस है वो सरागसी कर रही थी, पतारसी कर रही थी और जानकारी कर रही थी कि इन अवैध शस्त्रों की गतिविधियों में कौन लोग लिप्त हैं। थाना मौदहा को इसी क्रम में जो है सफलता मिली है। इन्होंने शिव हरिशंकर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे अवैध असला जो निर्मित भी हैं और अवैध रूप से बनाए भी जा रहे थे, और उनको अवैध अस्त्रों को बनाने के जो है उपकरण वो भी बरामद हुए हैं। इसमें एक तमंचा 315 बोर का, एक तमंचा 12 बोर का, 2 रिवाल्वर, 11 अर्धनिर्मित कंट्री मेड तमंचे या पिस्टल जो है इनसे बरामद हुए हैं। ये 1990 से लगातार इस काम में लगा हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं पकड़ा गया, ये पहली बार पकड़ा गया है। और इसने अपने बयान में ये बताया है कि इसने अब तक लगभग 500 जो है अवैध अस्त्रों को बेचा है, और ये पहली बार जो है पुलिस की गिरफ्त में आया है। इसे ये जानकारी की जा रही है कि इसने 3-3 लोगों को जो है अवैध असला बेचे हैं, उनको सूचीबद्ध करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इसको जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो जो अस्त्र बरामद हुए उनको बरामदगी करते हुए इसको जो है जेल भेजा जाएगा। सर, जिन्होंने खुलासा किया है क्या उनको इनको इनाम भी दिया गया पकड़ने वाली टीम को? देखिए, ये बहुत अच्छा सराहनीय काम थाना पुलिस मौदा ने किया है। उनके SHO के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है, और इनको 10,000 के इनाम की संस्तुति जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से की जाएगी।